मुझे लगता है कि जब मैं पैदा हुआ था तभी नर्स ने मम्मी को कहा था कि खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ जब भी होते हैं खूबसूरत लगना ही लगना है। इनकी वजह से मैं खूबसूरत लग जाता हूँ, मेरी वजह से ही है। यही राज है, यही राज है, सच बात है। कॉस्ट्यूम देखिए, हमेशा जैसा कि आप सबको पता है, कुछ नया हम कोशिश कर, क्रेडिट निकू को जाता, मतलब निधि जी को जाता है कि ये कॉस्ट्यूम इन्होंने फाइनल किया है ना, तो अच्छे भी लग रहे हैं जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो हमने वही सोचा कि रोमांटिक सॉन्ग है तो एक प्यारा सा इनका शेरवानी होना चाहिए, और मैं हालांकि बहुत कम मेरे जो दर्शक है मुझे लहंगा चोली में देख पाते हैं, तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना लहंगा चोली पहन के गाना किया जाए। आप ही शंकर है फिल्म का नाम, और बहुत ही प्यारी फिल्म है, एक्शन फिल्म है, और जैसा कि ये इनको खिताब मिल चुका है ऑलरेडी कि एक्शन स्टार हैं, हालांकि ये हर रोल में एकदम बेस्ट करते हैं। एंड वैसे ही हमारे जो डायरेक्टर हैं सूरज गिरी जी, उनकी ये फिल्म जो है शंकर, बहुत ही मेहनत की है उन्होंने और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया। हमने इसकी शूटिंग मिर्ज़ापुर में की, और जो बैलेंस वर्क था वो आज हम शूट कर रहे हैं, गाने की शूटिंग हम मुंबई में कर रहे हैं। एंड ओवरऑल यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन भी थिएटर में फिल्म आएगी आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, हर चीज़ का तड़का मिलेगा और मज़ा आएगा आपको हम दोनों की जोड़ी फिर से देखने में। शंकर फिल्म की कहानी, जब इसके निर्देशक हैं सूरज गिरी, वो सूरज गिरी मेरे पास आए और बताया कि मैं सूरज गिरी के बारे में क्या कहूँ, यूथ में जितने डायरेक्टर आए हैं काफ़ी एनर्जेटिक डायरेक्टर हैं, ये कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें। तो इसमें एक शंख वाला एक मैटर है, हम लोग क्लाइमैक्स में जब फाइट कर रहे थे तो उन्होंने अचानक एक शंख वाली फ़ाइट भी इंक्लूड किया। मुझे आकर के बताया कि भैया एक ऐसा ऐसा थॉट है, अगर हम शंख को लेकर के आएँ और शंख के द्वारा अगर आप मारें, तो मुझे एक सोच अच्छी लगी कि कुछ नया सोचने की कोशिश की है निर्देशक सूरज गिरी ने। वरना भोजपुरी तो अपने रूटीन ढर्रे पे चलती रहती है, बट मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के कि यंग में जितने भी डायरेक्टर आ रहे हैं, जितने भी नए नए डायरेक्टर आ रहे हैं, वो कुछ नया करने की कोशिश को लेकर के आ रहे हैं। और जब नया होने लगता है तो बदलाव आना शुरू होता है, और जब बदलाव आता है तो कोई भी इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू करती है, और इन दिनों इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। हाँ, थिएटर की हालत ज़रूर खस्ता है थोड़ी, उसकी वजह यह है कि आज हमारी फिल्में सैटेलाइट पे, एक वक्त था कि पूरी भोजपुरी के दर्शक सिर्फ 13 लाख थे, एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 13 लाख लोग भोजपुरी फिल्में देखते थे। वो 13 लाख लोगों ने 8-8 करोड़ रुपए का व्यापार कराया, भोजपुरी ससुरा बड़ा पैसा वाला 30-32 लाख की बनी फिल्म करीब ऑल ओवर इंडिया में 7-8 करोड़ का व्यापार किया, उसको सिर्फ 13 लाख लोगों ने देखा था, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। धीरे 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 वो 13 लाख कम होते चले गए, अश्लीलता की वजह से हुए या डबल मीनिंग डायलॉग्स की वजह से हुए या जो कुछ भी हो, लहंगा चोली ढोंडी देख देख करके बोर हो गए उसकी वजह से हुए, राम जाने। बट आज की स्थिति ये है कि आज टीवी के माध्यम से करीब करीब 10 करोड़ लोग देख रहे हैं सिनेमा, 10 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा 10 करोड़ लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरी फिल्मों को। मैं मध्य प्रदेश में अभी अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, मध्य प्रदेश के इंदौर में आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आते थे, बोले आपका वो बिटिया छठमाई के देखा भैया, आपका वो एक राजा जो 3-3 ठो महरारू रखे हूँ, बहुत अच्छा फिल्म है, मतलब मध्य प्रदेश में हमारी फिल्में देखी जा रही हैं। इंदौर की बात बता रहा हूँ, मैं रवि सिन्हा जी की एक फिल्म का शूट करने गया था, तो हमारी फिल्म सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार तक नहीं है, इंदौर में जा चुकी है, पंजाब के गली गली में हमारी फिल्में आज के डेट में देखी जा रही हैं। तो ये कैसे थिएटर के माध्यम से नहीं पॉसिबल हुआ, थिएटर में इंदौर में फिल्में नहीं लगती, ये सिर्फ सैटेलाइट पे डिजिटल मीडिया की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो आज सिनेमा बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है, सिनेमा में जो लोग डिजिटल पे देख रहे हैं वो थिएटर भी जाते, अगर हमारे थिएटर की हालत अच्छी होती, थिएटर उस लायक होते कि मैं परिवार के साथ जाऊँ। अगर अभी निकू हैं, मैं निकू को बोलूँ कि चलो आज आपको एक फिल्म दिखाता हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा कि सिंगल स्क्रीन है, थिएटरों की अच्छी हालत नहीं है, वहाँ पर पान खाकर इसे फाड़ें देखूँ ऐसा करके और सिनेमा देखेंगे टाली बजाएंगे निकल जाएंगे, वो गंदगी की वजह से मैं अपने परिवार को लेकर के नहीं जाऊँगा। अगर वही फिल्में हमारी गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाए, हमारे बड़े लोग जो भोजपुरी को आगे बढ़ाने वाले लोग सपोर्टिव हो जाएं और सिंगल स्क्रीन थिएटर भोजपुरी के लिए अवेलेबल मल्टीप्लेक्सेस अवेलेबल करा दें कम दामों में, क्योंकि हमारे जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं, वो 200 रुपये का 250 रुपये का टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि इंटरटेनमेंट को ध्यान में रख करके रीजनल भाषा की फिल्म होने की वजह से अगर हमारी फिल्में इन्फिनिटी में एक थिएटर मिल जाए, PVR में मिल जाए, और उसको गवर्नमेंट उसके लिए काम करे कि भैया इंटरटेनमेंट टैक्स हम भी देते हैं, सब लोग देते हैं, उस फिल्म को
जैसे हम नवरंग सिनेमा में जाते हैं, थिएटर की स्थिति नहीं अच्छी है, बाकी नहीं अच्छी है। अगर हम वही चीज़ें PVR में, मान लीजिए हम 100 रुपये का टिकट रखते हैं, तो जो भोजपुरी के दर्शक हैं वो जिस दिन PVR में जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 100 रुपये में अगर जा रहे हैं तो मिलेगा, अगर वो सिनेमैक्स में जाना शुरू कर दें, वो फन रिपब्लिक में जाना शुरू कर दें, तो वो दिन दूर नहीं है कि भोजपुरी 20-20 करोड़ का बिजनेस करना शुरू कर देगी। ये सरकार से अपील है कि भोजपुरी के ऊपर ध्यान दें।